फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट होगा इस फेस मास्क के लिए वो होगा जौ का आटा 1 टेबल स्पून। आपने जौ का आटे का 1 टेबल स्पून ले लेना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा कचूर पाउडर। इसके सिर्फ आपने एक पिंच, मतलब समझते हैं ना, चुटकी लेनी है। इसकी सिर्फ 3 चुटकियाँ आपने इस पाउडर में, मास्क में डालनी है कचूर पाउडर की। यह आपको पंसारी की दुकान से ईजिली मिल जाएगा। और इसको पिसवा के लेना है आपने, मतलब एज ए सच, मतलब रॉ पत्थर नुमा फॉर्म में लेना है। इसको पिसवा के बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा जो असल इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है बकरी का दूध। बकरी का दूध आपने लेना है क्योंकि वो आपको पता है फेयरनेस के लिए वैसे ही वर्ल्ड्स नंबर वन माना जाता है। तो इसके लिए आपको कच्चा बकरी का दूध चाहिए। आपने बकरी का दूध ना लेना है जिससे आपका पेस्ट ईजिली बन जाए। इसके अलावा हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट है दही 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स। अब हम बनाते हैं अपना मिक्सचर को। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो है जौ का आटा ले लिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो करूँगी वो मैं इसके अंदर 3 पिंच लूँगी। पिंच एक, ये मैंने पिंच पूरी नाप से लेकर रखी थी तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो अभी आप ये देख रहे हैं मेरे पास जौ का आटा और ये कचूर पाउडर है। इनको मैं ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि मेरा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो जाए। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर, उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जो है योगर्ट का। मेरे पास है ये बकरी का कच्चा दूध, मैंने कुछ इस तरह से इनको फ्रीज किया हुआ था। अब ये मेल्ट हो गया है तो अब मैं इस पेस्ट में डाल देती हूँ इसको। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके मिक्स पेस्ट बना लेती हूँ। इस मास्क को आपने सुबह शाम लगाना है, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा वाइटनिंग करना है का पैक है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी।